हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस, एंड बढ़िया ही रहना चाहिए। एंड गाइस, जैसा कि अब आप लोगों ने पढ़ लिए टाइटल टैग पढ़ लिए, सो फाइनली माय बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस इज हियर। ये मेरे पास फाइनली आ चुका, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसको अनबॉक्स करके आपके वो सारा कुछ इसके बारे में बताता हूँ। सो गाइज, मेरे को पहली बात अनबॉक्सिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को आदत वो ये चीज़ें फाड़ के फटाफट निकालने की। तो उससे पहले आपको बताता हूँ कि गाइज, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे को एक एक्शन कैमरा चाहिए, कि अब बाइक ले लिया, आगे थोड़े बहुत व्लॉग्स बना के दिखाया करूँ आपको। और वैसे भी मेरे को कैमराज का शौक थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए मेरा मन था बहुत टाइम से लेने का, बट अब वो फाइनली मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो आ गया। और जो मैंने कैमरा लिया, दिस इज़ GoPro Hero 7 ब्लैक। तो अब इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। सो गाइस, फाइनली माय बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस आ चुका है आपके पास। सामने रख रहा हूँ GoPro Hero 7। तो अब इसको पूरा अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में बताता हूँ कि इस टाइम पे भी मैंने 2020 में GoPro Hero 7 क्यों लिया है, क्या फ़ायदे थे, और बाकी क्यों नहीं मैंने लिया। SJKM हो गया, YI हो गया, तो उसमें से सबको रिजेक्ट करके GoPro लेने मैंने क्यों डिसाइड किया। So guys, here's the first look, GoPro Hero 7 Black. This is looking nice. और नीचे इसके सारे एसेसरीज आई हैं, वो भी अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। गाइज, एक प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं इसको अनबॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने थोड़ी तेज़ खींच दिया था और वो पूरा डब्बा ही फट गया था। तो अभी आपको फटा हुआ डब्बा भी दिखा देता हूँ, ये सारा फट गया था यहाँ से। सो इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या सामान निकलता है। सो गाइस, GoPro के साथ एक इसकी मैनुअल बुक हो गया, आई गेस ये वाली, ये मैनुअल बुक मिली है। 1 ईयर वारंटी, ये मेरे को नहीं पता, ये GoPro क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो दे हैव गिवन द लिंक टू अस। ये इसका GoPro अटैच करने का एंड GoPro ऐप के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। गाइज, दो बैटरीज आई हैं GoPro के साथ, ये बंडल पैक था गाइज। नॉर्मल GoPro लोगों तो ये सब नहीं मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, वॉट एवर इट इज़। एक ये छोटा सा ट्राईपॉड आया है GoPro के साथ का, एक माउंट, सिंगल माउंट मिला है बंडल में, एक USB केबल चार्जर टाइप, एंड दिस इज़ द GoPro इन द केस इट सेल्फ। सो गाइज, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कि GoPro Hero 7 जो ये रहा कैमरा 2020 में लेना वर्थ है या नहीं है। तो गाइज, ये मेरे को पड़ा था 27,000 या 28,000 का, मैं भी एग्जैक्टली आपको देख के बता दूंगा। तो 28,000 का GoPro वर्थ है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप देखना चाहो तो 2,000 से शुरू हो जाते हैं एक्शन कैमराज, बट 2,000 के इन सबको छोड़ के 28,000 आपके लिए स्पेंड करना वर्थ है या नहीं है। तो गाइज, इसका जवाब मैं आपको सीधा देता हूँ कि मार्केट में जो थोड़े अच्छे मैंने रिसर्च करी थी, तो जो थोड़ा अच्छा मेरे को लग रहा था कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो नहीं कह सकता, बट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर जो लग रहा था, दैट वॉज SJKM, SJKM 8 प्रो या फिर SJKM 9 का स्ट्राइक या प्रो, तो वो भी गाइज अराउंड 18,000 टू 20,000 के पड़ रहे थे मेरे को। जो 9 सीरीज़ है, 8 प्रो वो समवेयर अराउंड 16,000-17,000। तो मेन रीज़न मैंने उसको छोड़ के GoPro लिया, बिकॉज़ यार SJKM इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाइनीज़ कंपनी है। द थिंग इज़, उसकी मार्केट में कोई स्टोर नहीं है, कोई उनकी रिटेल आउटलेट नहीं है, उनका ऑनलाइन काम चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, ऑफलाइन बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यार कहाँ सुनो, किसको सुनाएंगे, कहाँ कौन सुनेगा। इंडिया एंड चाइना का कॉन्फ्लिक्ट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से मैंने SJKM छोड़ दिया था। एक YI करके आते हैं एक्शन कैमरा, दैट वाज फॉर अराउंड 10,000 रुपीज़। उसमें भी यही प्रॉब्लम थी गाइस कि अगर मैं 10,000 खर्च भी रहा हूं, उसका आउटपुट अच्छा था एज़ कम्पेयर टू द प्राइस, उसका आउटपुट बहुत अच्छा था, बट द थिंग इज़ अगर मैं 10,000 भी खर्च रहा हूँ, तो मेरे को ये तो चाहिए कि अगर कुछ 19-21 बात हो जाती है या कुछ खराबी माइन्यूट से भी आ जाती है, तो मैं वो कहाँ जाके सुनाऊँगा, किसको सुनाऊँगा, और कौन वहाँ पे रिजॉल्व करेगा इशू। हमारे पास एप्पल के फ़ोन है और एप्पल में कोई दिक्कत आती है तो वहीं सर्विस सेंटर है, सेम गोज़ फॉर सैमसंग और अदर ब्रांड्स। तो GoPro में सबसे बड़ा एडवांटेज ये था।
सेकेंडली जो गोप्रो की क्वालिटी है दैट इज़ अनमैच्ड क्वालिटी, ये सबको पता है। बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स भी आज तक गोप्रो हीरो 7 यूज़ कर रहे हैं। गोप्रो हीरो 8 आ गया है, हीरो 9 भी आ चुका है। गोप्रो का भी लॉन्च हुआ नहीं इंडिया में, बट सबको पता आ चुका है लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक या अपकमिंग 2 वीक्स के अंदर अंदर। तो बट स्टिल लोग गोप्रो हीरो 7 को बहुत ज़्यादा प्रेफरली यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका आउटपुट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। तो इसलिए गोप्रो हीरो 7 इज अ गो, सब यूज़ करते हैं उनको, एक प्रोफेशनल लेवल भी यूज़ होता है। तो गाइस एक बार अगर मेरे को ये था कि अगर मैं 17-18 हज़ार रुपये खर्च रहा हूँ SJ कैम में, तो वाई नॉट यू नो स्पेंड अनदर 10,000 रुपीज़। और गोप्रो एक टाइम लेके बंदा रख सकता है क्योंकि SJ कैम में भी आज अच्छा चल रहा है, बट कल को उसकी क्वालिटी इशू मेरे को लगे कि आ रही है। गोप्रो की क्वालिटी सबको पता है, दी बेस्ट क्वालिटी है, टॉप चीज़ है अपनी पूरी रेस में एक्शन कैमराज में। तो इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड कि यार अगर पैसे खर्च रहा हूँ तो मेरे को बार बार ना खर्चने पड़े, इससे बेटर एक ही बार खर्च के अच्छी चीज़ ले लें। बट गाइस गोप्रो में भी मेरे को कई बातें थोड़ी नेगेटिव लगी है, नेगेटिव इन द सेंस थोड़े माइनस पॉइंट्स जो गोप्रो वालों को शायद सोचना चाहिए। द थिंग इज़ गोप्रो बहुत ज़्यादा सेल में है, हर बंदा यूज़ करता है, अच्छे लेवल पे आके गोप्रो ही यूज़ करता है, बट इसके साथ कोई एसेसरी ज़्यादा नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये बंडल पैक में मेरे को जो काम की चीज़ें लगी है, दैट्स वन ट्राईपॉड केस साथ जो मिला है, एक्स्ट्रा बैटरी मिली है, एक माउंट मिला है, दैट्स इट। तो गाइस मेरे को लगता है कि इसमें स्पेशली माइक अडॉप्टर मैं पता कर रहा था दैट कॉस्टेड अराउंड 4,000-5,000 रुपीज़ जो सिर्फ एक माइक अडॉप्टर इसमें जिसमें माइक लगाने के काम आएगा, माइक विल कॉस्ट अनदर 1,000-2,000 रुपीज़। सो गाइज आई फील कि थोड़ा कोई ट्राईपॉड हो या समथिंग अच्छी थोड़ी बहुत एसेसरीज जो हम पैसे दे के लेते हैं, तो कंपनी शायद वो भी थोड़े या तो प्राइस चीप कर दे उनके, या फिर थोड़े हमको साथ कुछ तो एक्स्ट्रा दे दें। तो क्योंकि यार गाइज इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव डील अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये 28,000 तक का ये पड़ा है मेरे को बंडल पैक। उसके अलावा 5,000 का अगर मैं उसका अडॉप्टर लेता हूँ माइक का, उसके साथ माइक लेता हूँ, तो दैट इज़ 35,000 तो सिर्फ यही हो गए जो एक मोटो व्लॉग के सेटअप के लिए मैं करने का सोच रहा हूँ। उसके ऊपर अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो एक अच्छी ट्राईपॉड स्टिक इनकी जो आती है गोप्रो वालों की, दैट इज़ अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़, तो वो अलग करके, तो ये सब कुछ मिला के 40,000 तक का पड़ जाएगा। चलो अब आपको गोप्रो की थोड़ी क्वालिटी टेस्ट कराता हूँ कि क्या क्वालिटी में फ़र्क है। तो इससे व्लॉग करते हैं, थोड़े बहुत शॉट्स गोप्रो से लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा आपको लग रहा है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो गाइज मेरे को नहीं पता इस टाइम क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली मेरे को गोप्रो का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बट अभी जहाँ पे पिछली रिकॉर्डिंग हुई है मैं वहीं बैठा हूँ, सेम अमाउंट ऑफ लाइट है, सब कुछ सेम है। आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है तो आप लोग बताइए क्या डिफरेंस है, इस गोप्रो बेटर फॉर व्लॉगिंग या जो मेरा नॉर्मल सेटअप है उसी से व्लॉग करा करूँ। सो गाइज अभी मैं वहीं बैठा हूँ, बट अभी आपको बाहर का भी थोड़ा दिखाते हैं। एंड ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 पिक्सल 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में। आप लोग बाहर की कैमरेज जब भी लेना चाहो, कोई भी अगर आपको एक्शन कैमरा लेना हो, डू कंपेयर दिस थिंग, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा एक्चुअल क्या है। इसमें कोई एडिटिंग मैं नहीं करने वाला हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी एज इट इज़ अपलोडेड। तो अभी आप देख लो अंदर का इंडोर का सीन है जहाँ थोड़ी बहुत लाइट है, ज़्यादा लाइटिंग में पर कोई प्रोफेशनल लाइटिंग नहीं है। अब थोड़ा बाहर का आपको दिखाते हैं कि क्या बाहर के इसके फ्रेम्स हैं, 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं, 1080 पे करते हैं, और आपको दोनों का फ़र्क दिखाते हैं।
गाइस ये थे कुछ सैंपल शॉर्ट्स, और अभी अब आपको अच्छा लगेगा तो इससे व्लॉगिंग भी शुरू कर देंगे, बिकॉज इट्स मच मोर कन्वीनियंट टू यूज़ जो मेरा रेगुलर सेटअप है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो यार दूसरी बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में सब्सक्राइब कर लो जाके एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहो कर सकते हो मेरे को मेरे नए गोप्रो के लिए। एंड गाइस थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।